निकष नंबर दस देखेंगे जिसमें वज़न नाप हजम लंबाई वक्त इन इन चीज़ों को जो है तो बताया गया है आप लोगों को आगे वीडियो में यही बताया जाएगा वेट वेट किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं अब हम सिर्फ किसे क्या कहते हैं ये देखेंगे डेका ग्राम किसे कहते हैं जब 10 ग्राम मिलता है तो उसके उसको उसे कहते हैं डेका ग्राम उसके बाद 100 ग्राम जब मिलता है 100 ग्राम को कहते हैं हेक्टोग्राम, और 500 ग्राम को कहते हैं हाफ आ किलोग्राम यानी कि आधा ग्राम और उसके बाद एक किलोग्राम के अंदर होता है हज़ार ग्राम और टनर और मेट्रिक तो 100 किलो अगर मिल जाएगा तो 100 किलो को नहीं हज़ार किलो अगर मिल जाएगा तो हज़ार किलो को हम लोग कहते हैं टन एक टन कहते हैं हजार किलो गिर, हजार किलो को तो यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को याद रखना है कि एक किलो में हजार ग्राम होते हैं आधा किलो में पाँच सौ ग्राम होते हैं और हजार किलो को हजार ग्राम को नहीं है हजार किलो को एक टन कहते हैं इसी तरह डेका ग्राम कहते हैं दस ग्राम को और हेक्टोग्राम कहते हैं 100 ग्राम को ये सब आप लोगों को याद रखना है उसके बाद यहां पर देखिए सवाल दिए गए क्वेश्चन दिए गए हैं पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स इज टू किलोग्राम दो किलो में कितने ग्राम होते हैं इससे पहले अभी मैं बताया आप लोग कर सकते हो दूसरा हाउ मेनी ग्राम्स इन थ्री हेक्टोग्राम ये भी आप लोगों को आएगा उसके बाद थर्ड है थ्री थाउजेंड ग्राम्स यानी कितना है ना तीन हजार ग्राम अगर आएगा तो कितने किलो बैठेगा वो भी आप लोग लगा सकते हो हिसाब चार किलो ग्राम यानी कि कितने ग्राम चौथे वाला क्वेश्चन है कि चार किलो यानी कि कितने ग्राम इजी है बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको कॉपी में आप लोग करेंगे अभी कैपेसिटी का मतलब मालूम है आप लोगों को यानी कि हजम कोई भी चीज़ हम लोग जब माए हालत की लेकर लेने जाते हैं तो वो हमें लीटर में मिलती है अब लीटर यानी क्या जैसे हम कहते हैं कि हमें एक लीटर दूध दो तो एक लीटर दूध हज़ार मिली लीटर से मिलकर बनता है छोटे छोटे लीटर से मिलकर हज़ार मिली लीटर जब बन जाते हैं तो हमारा एक लीटर बनता है आधा लीटर किसको कहेंगे हम लोग हाफ अ लीटर हाफ़ अ लीटर कहेंगे हम 500 सौ मिली लीटर्स को मिलाकर हाफ़ अ लीटर बनता है यानी आधा लीटर बनता है जिस तरह से वजन में डेका डेका होता है उसी तरह यहाँ पर डेका लीटर है और हेक्टो लीटर भी है यहाँ पर है ना वही बात है डेका लीटर को यहाँ पर 10 लीटर 10 लीटर को मिलाकर यहाँ पर डेका लीटर कह रहे हैं और 100 लीटर को मिलाएंगे तो हेक्टो लीटर कहे कहेंगे तो ये आप लोगों को याद रखना है के एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं और डेका लीटर किसे कहते हैं हेक्टोलीटर किसे कहते हैं यहां पर अब क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी मिली लीटर्स इन आ थ्री लीटर्स यानी तीन लीटर में कितने मिली होते हैं एक लीटर में हजार मिली लीटर होते हैं तो तीन लीटर में कितने मिली लीटर रहेंगे आप लोग समझ सकते हैं इसी तरह हाउ मेनी मिली लीटर्स इन आर टू लीटर्स दो लीटर में कितने मिली लीटर होंगे वही घुमा फिरा कर सवाल पूछा गया है उसके बाद सवाल है दस लीटर दस लीटर में कितने मिली लीटर आएंगे वो आंसर में हमें लिखना है तो ये थे हमारे सवाल जवाब कैपेसिटी के इसे आप लोग अपनी कॉपी में करो अब यहाँ पर आया है लेंथ यानी कि लंबाई एक सेंटीमीटर के अंदर दस मिलीमीटर होते हैं ये हम लोग जान चुके हैं सेंटीमीटर को शॉर्टकट में सम लिखते हैं और मिलीमीटर को शॉर्टकट में एम लिखते हैं ये पिछली जमातों में आप लोगों को बताया गया है सौ सेंटीमीटर अगर हम मिलाते हैं तो एक मीटर बनता है हम दुकानों पर जाते हैं ना और कहते हैं कि हमें दो मीटर कपड़ा दो एक मीटर कपड़ा दो तो एक मीटर बनता है सौ सेंटीमीटर को मिलाकर और एक सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर हो कितने मिलीमीटर होते हैं दस मिलीमीटर होते हैं आप लोग कैसे समझ सकते हो इसे एक सम को स्केल के अंदर जो दस छोटी लाइनें होती हैं उस फिर एक नंबर आता है फिर दस छोटी लाइनें होती है, फिर दो नंबर आता है स्केल के अंदर फिर दस छोटी लाइनें होती है तीन नंबर लिखा रहता है तो दस जो छोटी लाइनें होती है वो एक सम कहलाता है उनको मिलाकर तो ऐसे सौ सम हो जाते हैं जब है ना सम यानी सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो एक मीटर कपड़ा बनता है और ऐसे ही हज़ार मीटर बन जाता है जब हज़ार मीटर जब लंबाई चली जाती है तो एक किलोमीटर हम उसे कहते है। जब हैं जब गांव आने लगता है हमारा तो हम कहते हैं ना दो किलोमीटर गांव रह गया है पाँच किलोमीटर रह गया है तो उसे ही जो है, है किलो तो किलोमीटर कहते हैं हज़ार मीटर को मिलाकर एक किलोमीटर बनता है यहाँ पर सवाल दिए गए हैं पहला सवाल है हाउ मनी एम एम इज़ सिक्स सम यानी छः सम के अंदर कितने एम mm आएगा मिली मीटर आएंगी हाउ मनी मीटर्स इन फाइव किलोमीटर्स और पाँच किलोमीटर में कितने मीटर्स आएंगे वो भी आप लोग हिसाब जोड़ देना उसके बाद है फिफ्टी सेंटीमीटर बराबर कितना है ना 50 सेंटीमीटर अगर हम मिलाएंगे तो कितने आएगा कितना उसे कहेंगे कितने एम एम आएगा उसके अंदर वो आपको लिखना है और टू किलोमीटर्स दो किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पर चौथे के आंसर में लिखना है तो इस तरीके से हम उसे कॉपी में अपने करेंगे देखो बच्चों यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं टाइम के बारे में वक्त के बारे में सुबह सुबह हमारी मम्मी हमको आवाज़ देती है कि उठो वक्त हो गया है उठने का टाइम हो गया है देखो दोनों बच्चे किस तरीके से सूरज निकल रहा है और उठ रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत अहमियत रखता है हम टाइम पर सब कुछ करते हैं उठते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं खेलते हैं स्कूल जाते हैं तो वक्त बहुत हमारी ज़िंदगी में अहम होता है आइए अब हम देखेंगे कि वक्त किस तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है देखो यहाँ पर दो बच्चे सोए हुए हैं है ना और दोनों के पास जो है तो घड़ी बनी हुई है हमारी क्लॉक जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ है ठीक है तो घड़ी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हम लोग जो है तो घर में होते हैं ना हमारे क्लॉक होते हैं हमारे वॉच जिसे हम कहते हैं है ना बड़े लोग भी जब ऑफिस जाते हैं तो वक्त को देखते हैं फिर अगर वक्त कम होता है तो जल्दी जल्दी जाए तो भागते हैं देखो तस्वीर में दिख रहा है कैसा भाग रहा है एक आदमी बैग लेकर क्योंकि उसको बहुत देर हो गई है तो हम लोग वक्त पर अगर काम करेंगे तो सब बराबर रहता है इसलिए वक्त को देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है उसको समझना कि कितना बज रहा है कितना टाइम हुआ है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है देखिए यहाँ पर आप लोगों को घड़ी के नंबर दिए गए हैं नंबर बताए जा रहे हैं क्लॉक के कितने नंबर हम लोग काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ट्वेल्व यहाँ पर टोटल बारह घंटों के बारह नंबर नंबर्स दिए गए हैं है ना यहाँ पर ये यह टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं बारह यानी ट्वेल्व नंबर्स है यहाँ पर हर नंबर एक घंटे का होता है वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे और जो बारीक छोटी छोटी यहां पर हर घंटे के बीच में जैसे अगर हम लोग देखेंगे बारह और एक के बीच में पांच छोटी लाइने बनाई गई है एक दो तीन और चार चार लाइनें बनाई गई है और एक जिसके ऊपर निशान रहता है हम उसको भी अगर मिलाते हैं तो वो हो जाती है पांच लाइनें तो ये जो लाइन होती है वो होती है मिनटों की बारीक बारीक जो छोटी लाइन होती है वो होती है मिनट की तो ये जो जितने गैप्स दिए गए हैं बारह और एक के बीच में गैप दिया हुआ है वो पांच मिनट का एक से दो के बीच में गैप है वो भी पांच मिनट का ऐसे टोटल गैप्स दिए गए हैं देखिए हर पांच मिनट का गैप दिया हुआ होता है ऐसे टोटल पांच, दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन और साठ टोटल साठ मिनट पर घूमता है टोटल साठ मिनट का एक पूरा घंटा कहलाता है यहाँ पर घंटे का समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो बड़ा यहाँ पर आपको सुई नज़र आ रही है वो घंटे की सुई कहलाती है और छोटी जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है अगर बड़ी सुई बारह पर है और वो घूम कर एक चक्कर पूरा आ जाएगी वापस बारह नंबर पर तो वहाँ पर हो जाएगा एक घंटा और ये जो छोटी सुई है वो मिनट की सुई है तो वो मिनट के हिसाब से घूमती है यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है जैसा कि अभी मैं बताया आप लोगों को कि एक घंटा जो होता है वो पूरे 60 मिनट का होता है यानी हर दो नंबर के बीच में जो गैप होता है वो पाँच पाँच मिनट का होता है और जो हर दो नंबर के बीच में जो छोटी लाइनें होती है वो मिनट की होती है तो ऐसे टोटल सिक्सटी मिनट्स का बनता है एक आवर वन आवर यानी एक घंटा यानी एक मिनट और एक मिनट कितने सेकंड का बनता है एक मिनट बनता है साठ सेकंड का सेकंड आप कैसे समझ में आएगा ये जो एकदम पतली वाली एक लाइन है लंबी सी पतली वाली बारीक सी जो बार बार पूरा घूमते रहती है वो जब अगर वो ट्वेल्व पर है और पूरा घूमकर वापस ट्वेल्व पर आ जाएगी तो एक मिनट हो जाएगा यानी वो साठ मरतबा घूमकर वापस वहां पर आ जाती है तो एक मिनट हो जाता है यहां पर जो तीन लाइनें दी तीन सुई दी हुई है उसको आप लोग समझ लो एक जो सबसे बड़ी सुई है जो आपको 11 पर नजर आ रही है 11 नंबर पर वो है घंटे की सुई उसके बाद जो एक उससे छोटी वाली सुई है जो आपको 12 नंबर पर नजर आ रही है वो मिनट की सुई है और एक जो सुई नजर आ रही है पतली सी जो तीन नंबर पर है तीन नंबर को शो कर रही है वो है सेकंड की सुई अब देखिए हम यहां पर टाइम देखना सीखेंगे जैसे यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो तीन पर है और घंटे वाली सुई बारह पर है तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये तीन बजा है कितना बजा है तीन जितने पर अगर छोटी लकीर रहेगी छोटी वाली सुई जहां जो नंबर पर रहेगी और अगर बड़ी वाली सुई बारह पर रहेगी तो हमारा बजेगा तीन अगर और आगे मैं बताता हूं आपको ये तो हुआ हमारा तीन अगर छोटी वाली सुई यहां पर चार पर होती तो अभी कितना बजता चार अगर छोटी वाली लकीर पांच पर होती और बारह पर जो लकीर बड़ी वाली है अगर वो बारह पर ही होती तो हमारा बच जाता पाँच यानी फाइव ओ और इसके बाद अगर छोटी सुई घूमकर कर पर आ जाती तो हो जाता हमारा छ अगर छोटी सुई सात पर आती तो हो जाता था सात बज जाता अगर छोटी सुई आठ पर आ रहती और बारह पर जैसी बड़ी सुई है उसी तरीके से रहती तो हो जाता था कितना बज जाता था आठ बज जाता था इस तरीके से अगर छोटी सुई जिस नंबर पर होगी और बड़ी सुई अगर 12 पर ही होगी तो उतना ही बजेगा जैसे यहां पर तीन बज रहा है जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो छोटी सुई होगी अगर वो तीन पर होगी और बड़ी अगर सुई 12 पर होगी तो तीन बजेगा अब आप लोगों को मैं इससे पहले ये भी बताया था कि 12 और एक के बीच में पांच मिनट का फासला होता है तो यहाँ पर हो गया तीन बजकर पांच मिनट हम लोग क्या बोलेंगे तीन बजकर पांच मिनट क्यों कह रहे हैं हम लोग तीन बजकर पांच मिनट क्योंकि अब बड़ी सुई बारह पर से हटकर एक पर आ गई है और बारह और एक के बीच में पांच छोटी छोटी लाइने हैं वो मिनट की लाइन है तो हमें उसको काउंट करना भी जरूरी है तो हम यहां पर कहेंगे तीन बजकर पाँच मिनट हो गए हैं देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार और पांच ये पांच मिनट जो है तो आगे बढ़ गई है इसलिए हम कह रहे थे तीन बजकर पांच मिनट हुए हैं समझ में आए आप लोगों को अगर अब बड़ा जो सुई है वो अगर दो पर आ जाएगी तो अब हो जाएंगे दस मिनट तीन बजकर दस मिनट हो जाएंगे इस तरीके से जो है तो हम लोग काउंट करेंगे पांच पांच मिनट अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे तीन बजकर पांच मिनट तीन बजकर दस मिनट अभी देखिए यहां पर इस घड़ी में हो रहा है तीन बजकर तीस मिनट है ना तीन बज गया था और बड़ा जो सुई थी वो बारह पर थी लेकिन वो बारह पर से एक पर आई तो पांच मिनट बढ़ गया फिर दो पर आई तो दस मिनट बढ़ गया तीन पर आई तो पंद्रह मिनट बढ़ गया चार पर आई तो बीस मिनट बढ़ गया पांच पर आई तो पच्चीस मिनट हो गया और छह पर आई तो तीस मिनट हो गया इसलिए यहां पर बताया गया है तीन बजकर तीस मिनट समझ में आया आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से घड़ी देखी जाती है देखिए यहां पर अब एक घड़ी दी गई है उस घड़ी में क्या बताया गया है बड़ी जो सुई है वो दस पर है और छोटी सुई जो है तो छः पर है तो अभी छ बजा नहीं है बल्कि अभी पांच बजकर पचास मिनट हो रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि अभी छ पर वो काटा, छः पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अगर जो सुई जो हमारी बड़ी है वो जब बारह पर पहुंच जाएगी तो छः बज जाएगा लेकिन अभी हो रहा है पांच बजकर पचास मिनट जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को काउंटिंग करके बताया था देखिए इस तरीके से अभी पाँच घंटे हुए हैं यानी फाइव आवर्स और मिनट कितने हुए हैं पचास मिनट हुए हैं अगर अभी जो काटा जो सुई बड़ी वाली हमारी दस पर है अगर वो ग्यारह पर पहुंच जाएगी तो मिनट हो जाएंगे पचपन और पचपन के बाद पूरा हो जाएगा साठ मिनट तो साठ मिनट का हो जाता है एक घंटा और एक घंटा हो जाएगा यानी कि अब पाँच से छे हो जाएगा पांच बजे हुए तो उसमें एक घंटा प्लस कर देंगे तो वो छ हो जाएगा तो आप लोग तीनों सुइया देख सकते हैं दस पर है हमारी छोटी वाली सुई तो यहां पर सेकंड जो डबल एस दिया हुआ है ना सेकंड वो दस सेकंड हुआ है मिनट कितना हुआ है दस दस पर है वो कांटे पर तो हर पांच पांच मिनट पर एक एक बदलता है पांच पांच मिनट हम लोग काउंट करते हैं अगर ट्वेल्व से हम काउंट करेंगे टेन तक तो 12, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हर में पांच पांच अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा वहां पर पचास और घंटा कितना हुआ था पांच घंटा हुआ था आवर्स पांच तो इस तरीके से अभी हो रहा है फाइव आवर्स फिफ्टी मिनट्स और टेन सेकंड तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को घड़ी देखना यहां पर समझ में आ गई होगी आप लोग घर पर भी घड़ी देखने की मशक करो अपनी, अपनी।